मेरा नाम जी दानिश है, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और जर्मनी में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। मैं अपने थीसिस पे काम कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं एज ए पार्ट टाइम फूड डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ वोल्ट के साथ पिछले तकरीबन 2 साल से, विच इज़ आई थिंक द परफेक्ट जॉब फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने ख़ुद अपनी शिफ्ट वगैरह बुक करनी है, वो काम भी ज़्यादा नहीं है, 20 आवर्स पर वीक का काम है। और इसके साथ साथ ये है कि इतना आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होता इस काम का। आप आउटडोर साइकिलिंग भी कर रहे हो, आपका काम भी हो रहा है, इट्स अ गुड अर्निंग एज वेल कि आप महीने का इतना पैसा कमा लेते हो कि आपका यहाँ पे खर्चा अच्छे से निकल आता है। तो ये डिटेल हो गया दी, ऑर्डर डिलीवर तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ऑर्डर डिलीवर ठीक है। अब यहाँ पे एरिया डिमांड नॉर्मल, अभी हम किधर भी वेट कर सकते हैं, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो दोबारा से शुरू हो जाएगा प्रोसीजर। अब सीन ये कि यहाँ पे डिलीवर किया है तो अभी मेरा पहले प्लान था कि हम चलते हैं टुम्स रास्ता पे ना, वो क्योंकि मेन हब है वहाँ से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि एरिया बिजी है तो आप कहीं भी जगह मिलती है वहाँ पर आप बैठ सकते हो, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर किया है, धूप शूप निकली है, यहाँ पर शेड वगैरह है, बेंचेज लगे, मैं इधर ही बैठ जाऊँगा, वेट करूँगा डिलीवरी का। तो होप्स हो कि इधर ही डिलीवरी आएगी, जैसे डिलीवरी आएगी फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। नॉर्मली अगर आपको पर आवर 3 से 4 डिलीवरीज आ रही हैं, इट मीन्स कि वो बिज़ी आ रहा है ठीक है। और क्योंकि मैं मैनुअल बाइक पे काम करता हूँ, ई बाइक नहीं है, तो 3 से 4 इज़ गुड एवरेज। और नॉर्मली आपको 1 से 2 आती हैं। समर टाइम यूजुअली स्लो टाइम होता है क्योंकि मौसम अच्छा है, लोग खुद ही निकल जाते हैं बाहर और खाना छाना खाने के लिए। और विंटर में काम हमारा ज़्यादा हो जाता है, और जैसे मौसम ख़राब हो, बारिश वगैरह हो, तब भी जो है ना ऑर्डर हमारा ज़्यादा हो जाते हैं। और जब 3-4 डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, विच मीन्स कि आपको इकट्ठे अभी पिकअप किया, ड्रॉप ऑफ नहीं आएगा, दोबारा से डिलीवरी आएगी मुझे पास से रेस्टोरेंट से, तो इकट्ठी इकट्ठी एक एक मेरे बैग में 2-2, 3-3 डिलीवरीज होती हैं, फिर मैं जाता हूँ बारी बारी डिलीवर करता जाता हूँ। तो इस तरह का अगर आप कमाते हो तो फिर वो जो एवरेज है ना, क्योंकि हमें डिलीवरी के भी पैसे मिलते हैं, तो वो फिर पर आवर जो वेज है ना वो आपकी ज़्यादा बन जाती है। नॉर्मली मिनिमम हमारी वेज है 12 यूरो पर आवर, लेकिन अगर डिलीवरीज करते हो फॉर एग्जांपल 3 से 4, तो वो आपकी 16-17-18 यूरो तक भी चली जाती है। अभी यार हमने कर ली हैं 2 डिलीवरीज की हैं ठीक है, 1 घंटे में ठीक है, यानी कि इट्स एवरेज डे ठीक है ना। वैसे फ्राइडे और संडे इवनिंग को ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन क्योंकि मौसम अच्छा है इस वजह से डिलीवरीज ठीक आ रही हैं, लेकिन डिलीवरी आ भी देखो दूर दूर की रही हैं। पहले जो डिलीवरी आई है वो 3.5 किलोमीटर की थी, फिर वापस हम उधर ही आए हैं जहाँ से हमने उठाई थी, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना हमने तकरीबन 7 किलोमीटर कर लिए 2 डिलीवरीज में। यूजुअली जब आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस के आते हैं, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो आप 1 घंटे में ज़्यादा भी कर सकते हो। काम यार ये बंदे के आपके अपने ऊपर है कि आप कितना करना चाह रहे हो, कंपनी आपको स्ट्रेस नहीं देती ठीक है। और मैं शुरू से मैनुअल बाइक पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मोर देन 90% जो लोग हैं वो ई बाइक्स पे काम करते हैं, 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स हैं, 20 आवर्स पर वीक, 80 आवर्स पर आपने करने होते हैं पर मंथ, तो मुझे फ़ील नहीं होता साइकिल चलाना, तो बिल्कुल फ़ील नहीं होता। जो डिफ़िकल्ट थोड़ा लगता है वो है सीढ़ियाँ चढ़ना, क्योंकि जर्मनी में जो बिल्डिंग है ना 5-5 फ्लोर की, मोस्टली बिल्डिंग में यहाँ पर एलिवेटर नहीं होती, तो आप 4th-5th फ्लोर पर जाते हो सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ उतर के, वो थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ना आपको फ़ील होता है, लेकिन साइकिल इतनी फील नहीं होती। बस ये कि वेदर अच्छा हो तो इट्स गुड, लेकिन अगर वेदर बैड है तो आपको 2 घंटे भी बहुत बुरे गुजरते हैं। तो जैसे आज मौसम अच्छा है, 4 घंटे शिफ्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कोई वो इशू होगा, इतना ईजी सीन है। अगर आपको कस्टमर डीलिंग आती है ना तो आपको कभी भी मसला नहीं हो सकता। मेरे साथ मसला एक दफ़ा हुआ था कि बिज़ी आवर था, मैंने ऑर्डर उठाया, ड्रॉप ऑफ नहीं आया, एक ऑर्डर और आ गया, वो उठाया उसका भी ड्रॉप ऑफ नहीं आया, तीसरी पिकअप आ गया, यानी कि अब मेरे पास एक टाइम पे 3 पिकअप आ गए हैं ठीक है। अब हम मैन्युअली नहीं चेंज कर सकते टास्क को ना, ऑटोमेटिकली हमें रिसीव होता है। तो फिर हुआ कि आज जिसका ऑर्डर मैं सबसे पहले पिक किया था ना, उसकी डिलीवरी आई सबसे लास्ट पे, तो जब मैं आया वो बंदा बड़ा अपसेट था ठीक है, उसने मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन उसने बताया कि यार व्हाट इज़ दिस। मैंने उसको बताया, मैं कहा यार तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मेरे पास 2 डिलीवरीज आई हैं, मैंने उसके साथ बिल्कुल सीधी बात की, मेरे पास डिलीवरीज आई थी, मैंने डिलीवर किए हैं पहले वहाँ पे, फिर वहाँ पे, अब तुम्हारी बारी आई है, अगर तुम्हें कोई इशू है, अगर तुम्हें कंप्लेन है कि तुम्हारा खाना ठंडा आया है
या लेट आया है, तुम कंप्लेन कर सकते हो, वो तुम्हें डेफिनेटली कंपनसेशन मिलेगी, ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे 5 यूरो टिप भी दिया था। तो अभी नेक्स्ट डिलीवरी का ये सीन है कि कोई भी डिलीवरी आती है ना हमारे पास, तो इट विल पॉप अप ऑन आवर स्क्रीन फॉर मे बी 30 सेकेंड्स। अगर हम नहीं उसको रिसीव करते तो फिर वो रीअसाइन हो जाती है किसी और राइडर को। अभी आई थिंक काम थोड़ा तेज़ हो गया, लेट्स सी। पहले 2 घंटे में 2-2 की एवरेज रही है, आप देखो आगे लास्ट 2 आवर्स में क्या बनता है। अभी जाते हैं शो ना उसे ले। सर 4 घंटे की शिफ्ट आज हमने लगाई है, ठीक है। 4 घंटे में हमने टोटल 10 डिलीवरीज की हैं, ठीक है। इसमें हमें 11 यूरो टिप मिली है ऑन ऐप, हमें ऑनलाइन टिप भी मिलती है और हमें कैश भी मिलता है। तो कैश आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुई, कैश आई थिंक मुझे 4 यूरो हुई है, और जो ऑनलाइन है वो मुझे 11 यूरो मिली है। और बाकी आप 4 घंटे लगा लो 48 यूरो, 48 + 11 हो गया 59, और 4 यूरो वो, ठीक है, मैं 63 यूरो को जो है ना मैंने फोर आवर्स मैंने कमाए हैं।